वेलकम टू विवेक पाठशाला। गाइज आज का हमारा लेक्चर क्लास 11th फिजिक्स। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डायमेंशन, जो कि हमारा स्पेशली फॉर क्लास 11th फिजिक्स के लिए होने वाला है। तो गाइज इससे पहले हमने अपने यूनिट एंड मेजरमेंट के 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके प्ले लिस्ट में पूछ कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्लास 11th फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले गाइज बात करते हैं कि आखिर हमारी डायमेंशन क्या होती है। तो गाइज किस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं वो सीखेंगे। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमारी डायमेंशन क्या होती है, और जो कि हमारा पहला टॉपिक होने वाला है कि व्हाट इज डायमेंशन। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ डायमेंशन। तो गाइज डायमेंशन जो होती है हमारी, ये हमारी पावर्स होती हैं जो कि रेस्ट करती हैं, जो कि रेस्ट करती हैं कोई भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकती है। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की गाइज हमारी जो पावर्स होती हैं वो कितनी हमारी रेस्ट करती हैं, और किसी भी ड्राइव्ड यूनिट को या ड्राइव क्वांटिटी को ऑब्टेन करने में जो भी हमारी पावर्स रेस्ट करती हैं वो हमारी डायमेंशन कहलाती है। तो गाइज व्हाट इज अ डायमेंशन। तो गाइज आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले गाइज हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो गाइज डायमेंशन में हम मास के लिए यूज़ करने वाले हैं एम, कैपिटल एम का यूज़ करने वाले हैं। लेंथ के लिए यूज़ करने वाले हैं एल, या कह सकते हैं कैपिटल एल। गाइज टाइम के लिए यूज़ करने वाले हैं कैपिटल टी, जो कि हम डायमेंशन में यूज़ करने वाले हैं। साथ में गाइज टेम्परेचर के लिए करने वाले हैं, तो गाइज टेम्परेचर के लिए यूज़ करने वाले हैं थीटा, या हम बहुत सी बुक में देखते हैं तो के का यूज़ कर लेते हैं। या डायमेंशंस को जब हम निकालते हैं तो उसमें मास के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, और टाइम के लिए कैपिटल टी, और गाइज टेम्परेचर के लिए थीटा या कैपिटल के। तो गाइज बात करते हैं कि आखिर हमारी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो गाइज बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेस्ड, द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेस्ड टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइज जो डायमेंशन होती है हमारी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो हमारी होती है पावर्स जो कि रेस करती हैं, या कह सकते हैं आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स, किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर हमारी रेस करती है किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी या किसी भी ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने में, वो हमारी जो पावर्स होती है, वो जो हमारी पावर्स होती हैं वो कहलाती हैं डायमेंशन। तो गाइज व्हाट इज अ डायमेंशन। तो डायमेंशन हमारी केवल पावर्स होती हैं जो कि रेस करती हैं किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स की। तो गाइज कोई भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हो सकती है, उसकी जितनी हमारी पावर्स रेस करती हैं किसी भी ड्राइव्ड यूनिट को ऑब्टेन करने में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो हमारी पावर्स कहलाती हैं डायमेंशन। तो गाइज डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो गाइज मास के लिए यूज़ करने वाले हैं कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, तो गाइज टाइम के लिए कैपिटल टी। तो गाइज मास के लिए एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, और टेम्परेचर के लिए थीटा या कैपिटल के का यूज़ करते हैं। कुछ और भी हमारे टर्म्स यूज़ होने वाले हैं जब हम अपने डायमेंशंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे। तो गाइज डायमेंशन हमारी होती है पावर, और हमने बात की कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। तो गाइज ये हमारी डायमेंशन की डेफिनेशन, कि जो डायमेंशन होती है हमारी वो केवल पावर्स होती हैं किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स की, जो कि पावर्स हमारी रेज करती हैं किसी भी ड्राइव यूनिट को ऑब्टेन करने में। तो गाइज अब बात करते हैं कि आखिर हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, व्हाट इज अ डायमेंशनल फार्मूला एंड व्हाट इज अ डायमेंशनल इक्वेशन। तो गाइज एक ही इक्वेशन से हम सीख जाएंगे कि हमारी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, और व्हाट इज अ डायमेंशनल इक्वेशन। तो गाइज सबसे पहले आप इसका लो स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर हमारे डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो गाइज अभी हमने आपको बताया कि मास के लिए यूज़ करने वाले हैं कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए यूज़ करने वाले हैं कैपिटल टी, और गाइज टेम्परेचर के लिए आज पढ़ने वाले हैं हम के, या कह सकते हैं थीटा। तो गाइज टेम्परेचर के लिए कैपिटल के और थीटा का यूज़ करने वाले हैं। तो गाइज डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और हमारे टर्म्स होते हैं एम, एल, टी।
तो गाइज तीन टर्म्स का यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उसमें। तो गाइज टेम्परेचर का यूज़ हम बाद में करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम मास, लेंथ और टाइम की ही बात करने वाले हैं। टेम्परेचर की बात हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे, या कह सकते हैं जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे टेम्परेचर के उसमें केवल हम थीटा या केल्विन का यूज़ करने वाले हैं। अब सिंपली केवल हमारा इन्हीं का यूज़ होने वाला है। तो गाइज मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल और टाइम के लिए कैपिटल टी। तो गाइज इसकी पावर होती है ए, इसकी हमने मानी बी और इसकी पावर सी। तो गाइज ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो गाइज ये फॉर्मूला हमारा कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो गाइज ये जो हमारी पावर्स है, मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी और टाइम की पावर सी, गाइज ये जो पावर्स होती है हमारी, ये जो पावर्स होती है हमारी, ये कहलाती है डायमेंशन। तो गाइज अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई कि वोट इज अ डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। तो गाइज ये जो पावर्स होती है हमारी, ये कहलाती है डायमेंशन। तो गाइज ये जो पावर्स है हमारी, ये तो होती है डायमेंशन। और ये जो हमारा गाइज फॉर्मूला है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, तो गाइज ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। तो गाइज इसकी जो हमारी डायमेंशन होगी उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फॉर्मूला कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बात करें ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है, तो गाइज ये जो हमारी पूरी इक्वेशन होगी ये कहलाती है डायमेंशनल इक्वेशन, जो कि हमारी ये कम्प्लीटली इक्वेशन कहलाती है। तो गाइज ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मूला है ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो गाइज ये हमारा फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हमारी इक्वेशन। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी कैपिटल एक्स, उसकी डायमेंशन हमारी ये होने वाली है। तो गाइज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ये होती है हमारी डायमेंशन। तो गाइज ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये हमारी जो इक्वेशन होती है, या कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। तो गाइज ये इक्वेशन कहलाती है हमारी डायमेंशनल इक्वेशन, ये पावर्स कहलाती है डायमेंशन। और गाइज ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मूला है ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो गाइज ये हमारी डेफिनेशन और ये हमारा कॉन्सेप्ट कि आखिर हमारी डायमेंशन क्या होती है, वोट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला एंड वोट इज अ डायमेंशनल इक्वेशन। तो गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं कि आखिर हम डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं। तो गाइज हमने आपको बताया कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और हम इन टर्म्स का यूज़ करते हैं, और इनकी पावर्स होती हैं ए बी सी, जो कि हमारी होती है डायमेंशन। अब बात करते हैं गाइज, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है एरिया। गाइज एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो गाइज एरिया बराबर होता है एल इंटू बी। अब बात करते हैं कि आखिर एरिया की डायमेंशन क्या होने वाली है। तो गाइज ये हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इसको रखा है, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और गाइज हम टर्म्स का यूज़ करते हैं एम एल टी, जो बेसिक हमारी क्वांटिटीज़ होने वाली हैं उसमें हम फिलहाल में मास, लेंथ और टाइम का ही यूज़ करने वाले हैं। थीटा हमारा टेम्परेचर, जो कि हमारा टेम्परेचर क्वेश्चन में यूज़ होगा। गाइज मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल और टाइम के लिए कैपिटल टी का यूज़ करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिर हमारा एरिया का डायमेंशन क्या होगा। गाइज एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो गाइज ये हमारी होने वाली है लेंथ। गाइज ब्रेड्थ भी हमारी एक लेंथ ही होती है। तो गाइज ये हमारी जब दोनों लेंथ हैं, तो गाइज ये होने वाला है लेंथ एल वन, या कह सकते हैं एल की पावर वन। और गाइज ब्रेड्थ है हमारी, ये भी लेंथ है एल की पावर वन। सिंपली गाइज एरिया के फॉर्मूले में हमारा मास नहीं होता और ना ही टाइम होता। तो गाइज m की पावर 0 और t की पावर 0। इसके बाद बात करते हैं कि लेंथ की पावर कितनी आने वाली है। तो गाइज जब ये दोनों हमारी लेंथ हैं, तो गाइज इसकी पावर हमारी 2 होने वाली है। कह सकते हैं कि जो डायमेंशन होती है हमारे एरिया की, m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। तो गाइज जिसका यूज़ करते हैं उसी की पावर्स हमारी आती हैं, क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में हमारा नहीं तो मास होता, तो मास के लिए 0, और गाइज ना ही यहाँ पे हमारा टाइम है, तो टी की पावर 0। तो गाइज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि हमारी दोनों डिस्टेंस होने वाली है या लेंथ होने वाली है, तो सिंपली हम यूज़ करने वाले हैं एल की पावर
टू। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो गाइस वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, जो कि गाइस तीनों हमारे होने वाले हैं लेंथ। तो गाइस तीनों हमारी लेंथ है, तो सिंपली बात करें डायमेंशन की, तो गाइस वॉल्यूम का होने वाला है डायमेंशन। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे ना तो मास है, तो मास की होने वाली है ज़ीरो। लेंथ की पावर गाइस तीनों हमारी लेंथ है, डिस्टेंस है तो इसकी पावर थ्री, और गाइस टी की पावर जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम भी नहीं है, जिसका नहीं होता उसको जीरो ले लेते हैं। तो गाइस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी पावर जीरो, इसकी पावर जीरो, इसको आप छोड़ भी सकते हो, सिंपली लिख सकते हो एल की पावर थ्री। तो गाइस इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि गाइस इसकी पावर जीरो इसको छोड़ देंगे, और टी की पावर जीरो इसको भी लेफ्ट कर देंगे, सिंपली आ जाएगा एरिया का डायमेंशन एल की पावर टू या एल स्क्वायर। तो गाइस सिंपली वॉल्यूम का डायमेंशन एल की पावर थ्री, या फिर आप एम की जीरो, एल की पावर थ्री और टी की पावर जीरो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की या नेक्स्ट डायमेंशंस की। तो सबसे पहले इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की, कि आखिर हमारी डेंसिटी या फोर्स वगैरह की डायमेंशन क्या होती है। तो गाइस सबसे पहले एरिया, सेकंड वन है हमारा वॉल्यूम, एंड थर्ड वन बात करने वाले हैं डेंसिटी। तो गाइस डेंसिटी की डायमेंशन क्या होने वाली है। तो गाइस डायमेंशंस के साथ में आपको कुछ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, कि अगर आपके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप डायमेंशन आसानी से निकालते हुए चले जाओगे। तो गाइस नंबर थ्री है हमारा डेंसिटी, और डेंसिटी हमारा फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो गाइस इसको डिनोट करते हैं रो से। बात करते हैं कि आखिर हमारी डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है। तो गाइस मास है ऊपर, तो इसकी डायमेंशन होने वाली है कैपिटल एम अपॉन। गाइस वॉल्यूम की डायमेंशन अभी हमने आपको बताई एल की पावर थ्री, या फिर लिख सकते हो एम की पावर जीरो, एल की पावर थ्री, टी की पावर जीरो। तो सिंपली लिख सकते हो एल की पावर थ्री। तो गाइस एल की पावर थ्री, और गाइस ये हमारा आने वाला है गाइस डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, जो कि आने वाला है एम की पावर वन है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। एल की पावर थ्री गाइस हमारी अपॉन में है, ऊपर जाके बन जाएगी माइनस का थ्री। गाइस आप यहां पे देख सकते हो कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के लिए एम, और गाइस वॉल्यूम की डायमेंशन अपॉन में एल की पावर थ्री, ऊपर जाके बन गई एल की पावर माइनस का थ्री। टाइम का हमारे यहाँ पर टर्म्स नहीं है, तो आप लिख सकते हो टी की पावर जीरो, और जो कि हमारी डायमेंशन है डेंसिटी की। तो गाइज वॉट इज़ द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, रो बराबर एम की पावर वन, आप इसको लिख सकते हो वन, एल की पावर माइनस थ्री, टी की पावर जीरो। तो गाइज ये थी हमारी डायमेंशन डेंसिटी की, आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और डायमेंशंस की। तो गाइज नंबर फोर है हमारा स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी। तो गाइज दोनों की डायमेंशन सेम होती है, एक ही बार में आपको समझा देंगे। तो गाइज स्पीड हमारा होता है, अगर बात करें स्पीड की, तो गाइज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गाइज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गाइज स्पीड की या बात करें वेलोसिटी की, दोनों की डायमेंशन हमारी सेम होने वाली है। गाइज आप हैशटैग बना के लिख सकते हो कि दोनों की डायमेंशन हमारी सेम होती है। तो गाइज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जिसकी डायमेंशन गाइज बात करें स्पीड की या वेलोसिटी की, दोनों की डायमेंशन हमारी सेम होती है। अब बात करते हैं कि आखिर व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो गाइज या तो बात करें स्पीड की या वेलोसिटी की, इसको डिनोट करते हैं वी से। तो बात करें गाइज इसकी डायमेंशन की, कि आखिर हमारी स्पीड की या वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होने वाली है। तो गाइज डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल एल, अपॉन में है गाइज हमारा टाइम, और जिसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल टी। तो गाइज इसकी पावर है हमारी वन, और इसकी पावर वन। तो गाइज वेलोसिटी या कह सकते हैं स्पीड, दोनों की डायमेंशन हमारी होती है एल टी माइनस का वन। क्यों होती है गाइज? एल की पावर वन, और गाइज जो टी है हमारा वो अपॉन में है, इसकी पावर है प्लस का वन, ऊपर जाके हो जाती है माइनस का वन। सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा मास का टर्म्स है नहीं, तो गाइज सिंपली अगर चाहो, अगर मास को भी आप रखना चाहो, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमारी आने वाली है एम की पावर जीरो, क्योंकि यहाँ पे हमारा मास का टर्म्स नहीं है, और जिसका हमारा टर्म्स नहीं होता उसको हम सिंपली जीरो रखते हैं।
लेंथ की पावर या बात करें एल की पावर वन और टी की पावर माइनस का वन। तो गाइस टी की पावर है हमारा माइनस का वन और जो कि हमारी स्पीड की या वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एम की पावर जीरो एल की पावर वन और टी की पावर माइनस का वन। या तो इसको ऐसे लिखो या लिख सकते हो एल टी माइनस का वन। तो गाइस स्पीड की या वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है हमारी वो होती है एल टी माइनस का वन। इसको आप एक ब्रैकेट में भी लिख लेना क्योंकि इसका हमारा काफ़ी यूज़ होने वाला है, आगे की जो डायमेंशन हम करेंगे उसमें काफ़ी यूज़ होगा। तो गाइस वेलोसिटी की डायमेंशन आप लिख लेना, वी की डायमेंशन हमारी होती है एल टी माइनस का वन। तो गाइस ये आप स्टार बना के लिख लेना, इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो गाइस व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, तो गाइस ये होता है एल टी माइनस का वन। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद बात करेंगे कुछ और क्वांटिटीज़ की। तो गाइस नंबर फाइव है हमारा एक्सेलरेशन। तो गाइस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इक्वल्स टू वेलोसिटी और अपोन में टाइम। तो गाइस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपोन टाइम। बात करें इसके डायमेंशन की, तो गाइस अभी हमने आपको बताया कि वेलोसिटी का यूज़ होने वाला है इसीलिए हमने आपको ये ब्रैकेट में लिखाया है। तो गाइस बात करें इसके डायमेंशन की, तो गाइस वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस का वन। एल टी माइनस का वन अपोन, गाइस अपोन में है टाइम और जिसकी डायमेंशन होती है टी। तो गाइस एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारी आने वाली है, तो गाइस मास का टर्म्स नहीं है तो आप उसको एम जीरो भी यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली, अगर चाहो तो हम आपको लिख के दिखा दें। तो एम की पावर जीरो, तो गाइस एल जिसकी पावर वन और टी की पावर है गाइस हमारी माइनस का वन और गाइस अपोन में है पावर वन प्लस का, ऊपर जाके होगी माइनस का वन। तो गाइस माइनस का वन होता है माइनस का टू। तो गाइस टी की पावर माइनस का टू। तो गाइस बात करें एक्सेलरेशन की डायमेंशन की, तो एम की पावर जीरो एल की पावर वन और टी की पावर माइनस का टू। अगर चाहो तो इसको सिंपली लिख सकते हो जो डायमेंशन होती है एक्सेलरेशन की वो होती है एल टी माइनस का टू। इसको भी आप गाइस ब्रैकेट में लिख ले इसके नीचे कि गाइस व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एल की पावर वन टी की पावर माइनस टू, या सिंपली इसको रीड कर सकते हैं एल टी माइनस का टू। तो गाइज ये हमारी डायमेंशन होती है एक्सेलरेशन की। साथ में गाइज अगर बात करें सिक्स की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो गाइज एक्सेलरेशन या तो हो लीनियर एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों की डायमेंशन हमारी होने वाली है सेम। तो गाइज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी हम किस तरीके से निकालते हैं वो सीखेंगे अपने हायर डायमेंशन में या कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अभी फिलहाल में आप इसका स्टार बना लें कि गाइज एक्सेलरेशन ये तो है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन या बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का डायमेंशन होता है हमारा एल टी माइनस का टू। तो गाइज जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद बात करेंगे सेवन्थ एट नाइन टेन जो भी हमारा होने वाला है। तो गाइज आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो गाइज अगर आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा लगती है तो स्पीड को थोड़ा सा कम करके वॉच कर सकते हैं। गाइज वीडियो को अगेन वॉच कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो गाइज वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने आपको बताई एल टी माइनस का वन होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारी होती है एल टी माइनस का टू। तो गाइज इनका काफ़ी यूज़ होता है इसीलिए हमने आपको बताया कि इसको बॉक्स में लिख लेना। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा, तो गाइज नेक्स्ट है डायमेंशन नंबर सेवन फोर्स। तो गाइज फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो गाइज फोर्स हमारा बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो गाइज व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो एफ से डिनोट करते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए गाइज यूज़ करते हैं कैपिटल एम। इसके बाद गाइज बात करते हैं एक्सेलरेशन, तो गाइज इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस का टू, एल टी माइनस का टू। तो गाइज सिंपली बात करें तो फोर्स की डायमेंशन हमारी होने वाली है एम एल टी माइनस का टू। इसको भी आप ब्रैकेट में लिख लें, इसका भी काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो गाइज फोर्स की डायमेंशन हमारी होती है एम एल टी माइनस का टू। ये तो आपको रट जाना चाहिए,
क्योंकि इनका हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं या कह सकते हैं कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें काफ़ी यूज़ होता है। तो गाइज, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स? सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो गाइज, मास का डायमेंशन m, इसकी पावर 1। एक्सेलरेशन का अभी हमने आपको बताया LT माइनस का 2, इसकी पावर होती है टाइम की। इसके बाद गाइज, मास की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर माइनस का 2, जो कि हमारी डायमेंशन होती है फोर्स की। इसके बाद गाइज, नंबर 8 है हमारा वर्क। तो गाइज, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो गाइज, डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। तो गाइज, डिस्प्लेसमेंट हमारी एक लेंथ होती है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो गाइज, फोर्स का डायमेंशन अभी हमने आपको बताया MLT माइनस का 2। तो गाइज, जो हमारी प्रीवियस डायमेंशंस होती हैं उसी का यूज़ होगा जितने भी हमारे आगे के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइज, फोर्स का होता है MLT माइनस का 2। गाइज, डिस्प्लेसमेंट हमारी एक लेंथ होती है और जिसकी डायमेंशन होती है कैपिटल L। तो गाइज, वर्क का डायमेंशन हमारा आने वाला है, वर्क का डायमेंशन ML। तो गाइज, L की पावर 1 और 1 हो जाएगा L की पावर 2 और T की पावर है गाइज हमारी -2 और जो कि डायमेंशन होता है हमारा वर्क का। तो गाइज, वर्क की हमारी डायमेंशन होती है ML² T - 2। फोर्स का होता है MLT - 2। एक्सेलरेशन का होता है LT - 2 या हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का हमारा सेम होता है। वेलोसिटी का होता है LT - 1। तो गाइज, वेलोसिटी का LT - 1, एक्सेलरेशन का LT - 2, फोर्स का MLT - 2, वर्क का ML² T - 2, जो कि हमारा वर्क का डायमेंशन होता है। गाइज, एक पॉइंट और बना लेना कि वर्क का डायमेंशन या बात करें एनर्जी या बात करें हीट की या बात करें पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो गाइज, एक पॉइंट बना लेना स्टार बना के कि वर्क का डायमेंशन या कोई भी एनर्जी हो या हीट हो या हो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, सभी का डायमेंशन होता है ML² T - 2। ये आप स्टार बना लेना। तो गाइज, ये हमारा स्टार पॉइंट बनने वाला है, कह सकते हैं हैशटैग पॉइंट बनने वाला है। आप उसको हैशटैग बना सकते हो कि डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ हीट, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा होने वाला है सेम ML² T - 2। इनको भी हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे बताने वाले हैं केवल पॉइंट कि इन सभी का डायमेंशन हमारा सेम होता है। तो गाइज, इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद बात करेंगे नंबर 9 की। तो गाइज, नंबर 9 है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। गाइज, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं P.E से। इसका फॉर्मूला होता है गाइज हमारा MgH। तो गाइज, फॉर्मूला होता है MgH। बात करते हैं डायमेंशन की तो P.E बराबर। तो गाइज, मास के लिए डिनोट करते हैं कैपिटल M और जो कि हमारा डायमेंशन भी होता है मास का। गाइज, G होता है गाइज हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमने आपको बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका डायमेंशन होता है LT - 2। तो गाइज, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जिसका डायमेंशन होता है LT - 2। तो गाइज, एच होता है हमारा हाइट और हाइट हमारी होती है लेंथ और जिसका डायमेंशन होता है कैपिटल L। तो गाइज, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आने वाली है M। गाइज, L की पावर 1 और 1 होने वाला है स्क्वायर। तो गाइज, L की पावर होने वाली है 2 और सिंपली T की पावर -2। तो गाइज, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन M की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2, क्योंकि हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MgH, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू में हाइट। मास के लिए कैपिटल M, G की डायमेंशन जो कि होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी डायमेंशन होती है LT - 2। तो गाइज, LT - 2। और गाइज, हाइट होती है हमारी लेंथ जिसकी डायमेंशन होती है कैपिटल L। तो गाइज, M की पावर 1, L की पावर 1 और 1 स्क्वायर लग जाएगा या पावर 2 और T की पावर -2। तो गाइज, आप यहाँ पे वोच कर सकते हो। अभी हमने आपको स्टार पॉइंट बनवाया कि हमने आपको बताया कि हैशटैग पॉइंट बनाना कि पोटेंशियल एनर्जी, वर्क या इनकी डायमेंशन होती है सेम। तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो
कि पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन हमारी है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो गाइज इन सभी की डायमेंशन हमारी सेम होती है। इसके बाद बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो गाइज इसका लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद करेंगे नंबर 10 की जो कि होने वाला है काइनेटिक एनर्जी। तो गाइज काइनेटिक एनर्जी है हमारा नंबर 10 और जिसकी डायमेंशन हमारी सेम आने वाली है। तो नंबर 10 है गाइज हमारा काइनेटिक एनर्जी और जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv². तो गाइज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv². अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो गाइज डायमेंशन में अगर हमारा कोई भी वैल्यू होता है कॉन्स्टेंट का, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। कह सकते हैं कोई भी हमारा वैल्यू हो कॉन्स्टेंट, वो हमारा होता है डायमेंशनल लेस। नंबर हो कोई भी 0, 1, 2, 3, तो गाइज या पाई, ये हमारे होते हैं डायमेंशनल लेस। इनका कोई भी हमारा डायमेंशन नहीं होता, या फिर फ्रैक्शन में भी हम ले सकते हैं, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो गाइज 1/2 जो कि है हमारा डायमेंशनल लेस। अब बात करते हैं मास की। तो गाइज मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम। बात करते हैं वेलोसिटी की। तो गाइज वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने आपको लिखाई एल टी माइनस का 1। तो गाइज इस पे स्क्वायर है। तो गाइज सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस का 1 स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे। मास पे स्क्वायर नहीं है, केवल स्क्वायर है एल टी माइनस 1 जो कि डायमेंशन है वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस का 1 और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। अब बात करते हैं कि आखिर फाइनली डायमेंशन क्या होने वाली है काइनेटिक एनर्जी की। तो गाइज मास की पावर 1, तो गाइज एल की पावर 2, सिंपली टी की पावर होने वाली है माइनस का 2, क्योंकि इसका स्क्वायर अगर ओपन करें तो एल की पावर 2 और टी की पावर माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 2 हमारा होता है। तो गाइज अभी हमने आपको हैशटैग बनवाया, एक स्टार पॉइंट बनवाया कि वॉट इज़ द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या बात करें वर्क की या हीट की या एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की, सभी की डायमेंशन हमारी सेम होती है। तो आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है और वर्क की जो डायमेंशन है वो हमारी सेम आती है। तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर माइनस 2 एंड वॉट इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर माइनस 2। तो गाइज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क या कोई सी भी एनर्जी या हीट, सभी की डायमेंशन हमारी होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये आप स्टार पॉइंट बना लेना अगर नहीं बनाया। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हमारी केवल 10 डायमेंशन होने वाले हैं। तो गाइज आज हमने बात की कि वॉट इज अ डायमेंशन, और साथ में हमने अपनी डायमेंशन बताई कि किस तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डायमेंशन करने वाले हैं। तो गाइज लगभग हमारे डायमेंशन के 6 से 7 लेक्चर कवर होने वाले हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।